नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये हमारे पास आईटेल का फ़ोन है। दोस्तों आईटेल फ़ोन में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ग्राफिक नहीं आ रहा दोस्तों, तो दिखाएंगे आईटेल फ़ोन में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम फ़ोन की बैटरी निकालेंगे, दिखाएँगे फ़ोन का मॉडल दोस्तों, इसके बाद हम आपको दिखाएँगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप नज़दीक से देख पाएंगे आईटेल 5027 मॉडल है दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में जैसे बैटरी लगाते हैं दोस्तों डिस्प्ले पर कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, फटाफट हटाएंगे बैटरी और इसको ओपन करेंगे। दोस्ती बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, सबसे पहले यदि इस तरीके से नई प्रॉब्लम सॉल्व होती है दोस्तों तो उसका तरीका हम दूसरा बताएंगे, डिस्प्ले चेंज करनी होगी आपको दोस्तों। मदरबोर्ड को पहले हम बाहर निकालेंगे, दोस्तों मदरबोर्ड को हम एक बार बाहर निकालेंगे और दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों आप नज़दीक से देखेंगे इसमें डिस्प्ले किसी ने डाल रखी है पहले से ही, और डिस्प्ले डालने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है दोस्तों। हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले डिस्प्ले को एक बार हम सोल्ड करेंगे आयरन की मदद से दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको हमें सोल्ड करना है दोस्तों। दोस्तों पहले इस समय ये जो पट्टा लगा हुआ है इस पट्टे को पहले निकालेंगे, दोस्तों इस पट्टे को पहले हम बाहर हटा देंगे, इसके बाद इसके सारे प्रिंट सही से साफ कर दें, और इसके बाद ये जो स्क्रीन के जो पिन है इस पे साथ थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और बहुत ही आसानी से इसको सोल्ड करना है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें सही से आपको सोल्डिंग करना है दोस्तों। सोल्डिंग करने के बाद एक बार हम चेक करेंगे स्क्रीन अगर आ जाती है दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो हमें इसकी डिस्प्ले चेंज ही करनी होगी दोस्तों। सबसे पहले किसी भी डिस्प्ले को चेंज करने से पहले एक बार चेक कर लें दोस्तों, एक बार हम बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं पहले डिस्प्ले आती है नहीं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं फ़ोन बैटरी डाउन है इसमें लग रहा है, इस वजह से नहीं ओपन हो रहा है। दोस्तों एक बार हम चार्जिंग लगा करके चेक कर लेते हैं पहले, अभी भी नहीं स्विच ऑफ खुला है दोस्तों, स्विच ऑफ नहीं खुल रहा है। एक बार हम सही से इसको फिर सोल्ड करेंगे दोस्तों, आपस में कोई पिन इसमें शॉर्ट हो सकता है, एक बार हम जिस सोल्ड करेंगे सही से दोबारा से। दोस्तों एक बार हम चेक कर लेते हैं एक बार लगा करके, दोस्तों पहले एक बार हम चेक कर लेंगे डिस्प्ले पर ग्राफिक आया या नहीं दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले आ चुकी है सोल्ड सही से करने के बाद दोस्तों, डिस्प्ले पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले